हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, मैं जाने वाली हूँ अभी से शहलो के रोके के लिए। तो मेरे घर से सभी लोग वहीं पे डायरेक्ट पहुँच गए और मुझे भी निकलना है, बस बच्चों का वेट कर रही हूँ। क्योंकि मैं इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम को बीच में छुड़वा के ही जाना पड़ रहा है। बाद में सर से बात हो चुकी है, प्रिंसिपल सर से, बाद में उनका एग्जाम लिया जाएगा। एंड मैं कैसे रेडी हुई थी वो बताने वाली हूँ। मेरे बालों का हाल बहुत बुरा हो रखा है, तो चलो कोई बात नहीं, बालों करते हैं साइड में। और मैं कैसे रेडी हुई थी वो दिखाती हूँ आप लोग के लिए। एंड बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी वे में आप भी इस तरीके से रेडी हो सकते हो। इससे पहले बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप ट्यूटोरियल बहुत ही कम प्रोडक्ट में अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करो और जाके देख लो जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी सिर्फ मॉइस्चराइजर एंड अपना सनस्क्रीन लगा लिया है। तो मॉइस्चराइजर मैंने लगाया था, आपको पता ही होगा अगर आपने लॉन्ग टाइम से मेरा वीडियोज देख रहे हो तो, लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर ये मैंने लगा लिया है। देन सनस्क्रीन के लिए मैंने लगाया था लोटस का सनस्क्रीन। ये जो सनस्क्रीन है ये थोड़ा सा स्टिकी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। लेकिन जब आप लगाओगे तो बहुत वाइट वाइट सा हो जाता है फेस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बाद एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट के बाद मैं लगाऊंगी कोई कलर करेक्टर वगैरह कुछ यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है एंड धूल धूप मिट्टी तो स्किन पे आने ही वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा जब तक कॉन्फिडेंट ना आ जाए हमको बाहर जाने का मन नहीं करता। वैसे मैं पहले ये सब नहीं करती थी लेकिन अभी थोड़ा सा मन करता है करने का। चाहे शादियों का सीजन है, सिस्टर इन लॉ का रोका है, तो थोड़ा सा रेडी होना तो बनता है। तो कॉम्पैक्ट पाउडर ले लिया है मैंने, ये मेरा मेकअप ब्रश का बॉक्स है। एंड कॉम्पैक्ट पाउडर में इसमें इस तरीके का मार्श का कॉम्पैक्ट पाउडर है, इस तरीके का स्पंज भी दिया हुआ है, बट मैं स्पंज यूज नहीं कर रही, मैं ब्रश यूज कर रही हूँ। इस तरीके से पाउडर को लेना है, देन पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। बस बच्चों का वेट हो रहा है, आते ही हम लोग निकलेंगे। तो अगर आप भी कहीं जा रहे हो और बहुत सिंपल मेकअप चाहिए आपको तो आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो जो कि मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और मेरे रेडी होने का एक रीजन और है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं साथ में। ये वाली कुर्ती मैंने ली है मीशो से, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कंफर्टेबल है। मुझे 200 समथिंग में पड़ी है। अगर आपको लेना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके इजिली बाय कर सकते हो। तो कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने लगा लिया है एंड थोड़ा सा और खूबसूरत दिखाने के लिए अपने लुक को ब्लश तो बनता ही है। जब तक ब्लश ना लगाओ कॉन्फिडेंट नहीं आता है। लेकिन डे टाइम है, बिल्कुल हल्का हल्का लगाइएगा, नेचुरल सा लुक आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल नेचुरल मेकअप करेंगे। ओके ओके, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है हमारा हाइलाइटर। हाइलाइटर के बाद बिना तो हमारा फेस डल दिखता है। हाइलाइटर थोड़ा सा लगा लो तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ जाता है। एंड आपको पता ही है कि मेरे आईज में डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो हम लोग डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करें, बस हाइलाइटर को इस तरीके से अपने आईज पे अप्लाई कर दीजिए। थोड़ा सा नीचे में भी कर लोगे, ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगेगा। आप सोच रहे होगे कि हाइलाइटर लगा रहे हैं तो हैवी हैवी दिखेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नेचुरल सा लुक आता है। इसके बाद मैं अपने आईब्रो को फील कर चुकी हूँ पहले, बस इसको थोड़ा सा और मिक्स कर देते हैं थोड़ा और नेचुरल लुक दिखाने के लिए। मिक्स करने के लिए इस टाइप का ब्रश ले लीजिए और इसको जब तक आप मिक्स नहीं करोगे नेचुरल लुक नहीं आता है। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये मिक्स हो गया, ओके। अब हम लोग लगाएंगे लिपस्टिक। तो लिपस्टिक का शेड जो है वो बहुत लाइट लगाऊंगी मैं, तो लाइट शेड का लिपस्टिक ये है, ओके। ऑलमोस्ट मेरा लुक कंप्लीट हो गया, अब हम लोग निकलेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आई मस्करा अप्लाई कर देते हैं, लेकिन मस्करा अप्लाई करते टाइम ध्यान दीजिएगा कि मस्करा जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और बिल्कुल वाटरप्रूफ होना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका पूरा मेकअप लुक खराब हो जाएगा। तो ये लैक्मे का मस्करा है,
तो अभी मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। मस्कारा लैक्मे का है 3D लेस वॉल्यूम जाए सॉरी मस्कारा है ये, मतलब ये आपके आई लेसेस को वॉल्यूम देता है एंड काफ़ी अच्छा लुक देता है एंड ये काफ़ी अच्छा है। मैं इसको बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी फैलता नहीं है एंड सूखने के बाद भी बहुत ईजिली निकलता है, कितना भी पानी डालो कुछ भी करो ये निकलता नहीं है। तो ये देखिए वाह, तो इस तरीके से आपको मस्कारा अप्लाई करना है। कितना प्यारा सा लुक आ गया है इसका। लाइनर लगाना है तो लगा दो, नहीं तो आपका लुक यहाँ पे कंप्लीट है। आप इस तरीके से कहीं भी जा सकते हो। हेयर स्टाइल बनाने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ वो देख लीजिए। तो ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ। हेयर स्टाइल के लिए मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करूँगी, हेयर स्टाइल मैं यहाँ पे क्लच और कुछ पिनों से बनाऊँगी। तो चलिए किस तरीके से बनाना है मैं दिखाती हूँ आपको। अभी बाल मेरे गीले ही है लेकिन कोई बात नहीं, बना लेते हैं। या सिर्फ सॉरी कैमरे पर हाथ लगा दिया। तो हेयर स्टाइल के लिए थोड़ा सा पफ का लुक दूंगी फ्रंट से और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड बिल्कुल नेचुरल दिखाने के लिए मेकअप फिक्सर का यूज़ जरूर करें। लेकिन मेकअप फिक्सर का यूज़ करते टाइम ध्यान रखिए कि आई लेसेज आपने सॉरी मस्कारा अभी अभी अप्लाई किया तो उसको सूख जाने दीजिए। उसके बाद हाथ एक हाथ का गैप रखना है इस तरीके से और पूरे फेस पे इस तरीके से लगाना है और थोड़ी देर तक इसको ड्राई होना देना है। वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक रहती हैं जो कि मैं छोटी छोटी बारीकियाँ आप लोग छोड़ देते हो, मिस्टेक कर देते हो जिसकी वजह से आपका मेकअप या स्टाइल सब खराब हो जाता है वो बताते रहती हूँ। तो आप इतने पे ही जाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में और बताऊँगी अगर आपका मेकअप डल हो जाए तो आपको क्या करना है। ओके, तो इस तरीके से मैंने बालों को वो किया है एंड कॉम किया है। आईब्रोज का जो ये आस होता है यहाँ से हेयर को इस तरीके से लेना है, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे आगे की तरफ, पुल करेंगे देन क्लिप से सिक्योर कर देंगे। मेरे बच्चे आ गए तो इस तरीके से क्लिप लगा दिया है। अब साइड से क्या करना है, साइड से हेयर को इस तरीके से पकड़ेंगे। साइड से हेयर को पकड़ने के बाद से हल्का हल्का ट्विस्ट करेंगे। मम्मी मैंने अपना एप्लीकेशन शादी को दे दिया। इस तरीके से रखेंगे। दूसरी साइड से भी ऐसे ही काम करेंगे। तरीके से कॉम करके जाओ, कपड़े चेंज करवाती हूँ जाओ। कुछ कहना है अभी नहीं, क्या करना है। इस तरीके से जहाँ पे हमने क्लिप लगाया है वहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे देन क्लचर से सिक्योर कर देंगे। और ये लुक काफी अच्छा लगता है, बहुत इजी है। हो सकता है जैसे पहले भी देखा हो लेकिन इस तरीके से आप अपना हेयर स्टाइल कंप्लीट कर सकते हो। फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा, बैक से आपने देख ही लिया। यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से खींच लेंगे देन इसके साथ छोटी छोटी इयररिंग्स वगैरह डाल सकते हो। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है तो यहाँ पे एक क्लिप और लगाऊंगी।
जिससे कि जो पफ है वो अच्छे से बैठ जाए। एंड ये ठीक है, अगर थोड़ा सा लग रहा है तो और टाइट करके जितने हेयर हैं उनको इस तरीके से पकड़ लेंगे। ऑलमोस्ट मेरा हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट हो चुका है जाने के लिए। आप चाहो तो पोनी बना सकते हो, चाहो तो खुला रख सकते हो। इसके साथ मैं एक बिंदी अटैच करूंगी, अगर आपको वाली या डॉट छोड़ सकती है बट मुझे लगाना है। तो ये देखिए जैसे मस्करा आपका भी इस तरीके से सूख के ऊपर लग जाए तो डायरेक्ट साथ के साथ ऐसे मत फैलाना, थोड़ी देर उसको ड्राई होने देना। उसके बाद आप इजीली इस तरीके से, अगर आपका वाटर प्रूफ मस्करा है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ओके, और जो लास्ट टिप था वो बताती हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर को लेना है। अगर आपका मेकअप डल दिख रहा है पूरा मेकअप होने के बाद, तो कॉम्पैक्ट पाउडर को लेना है। और इस तरीके से लगा लेना है, इससे आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और ये जो फैला है इसको अभी नहीं निकालना है, सूखने दीजिए। एंड मस्करा लगाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका मस्करा ज़्यादा ड्राई नहीं हो रहा है जल्दी, तो आप कोई कॉटन ले लीजिए या फिर कोई कॉटन का कपड़ा लेके उसको इस तरीके से आइज पे इस तरीके से कर लीजिए मस्करा के ऊपर, तो जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो निकल जाएगा और जल्दी से ड्राई हो जाएगा। ओके, तो ये सूखने के बाद इसको निकालना है। तो अगर आपका मेकअप डल हो जाता है इस तरीके से, लास्ट में आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लोगे तो आपका मेकअप जो है और दोबारा से फ्रेश दिखने लग जाएगा। तो ये है मेरा फाइनल लुक, इस तरीके से दुपट्टा लिया, एक कुर्ती लिया मैंने मीशो से। तो कैसा लगा आपको मेरा फाइनल लुक और मेकअप का ये कैसा लगा मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि बहुत इजी स्टेप के साथ मैंने आपको बताए हैं, तो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और नोटिफिकेशन आपके फोन स्क्रीन पे शो होने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। सिलाई से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पर जाइए, प्रीत तिवारी 2 सेकंड चैनल का नेम है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।